ये साथ में है अब थोड़ा सा थोड़ा सा बदल गए हैं ये। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। और हम आ गए टॉस के लिए। आज है टूर्नामेंट का दूसरा दिन। भारत मोगली आ गया ऑर्गेनाइजर, मोगली जो ऑर्गेनाइजर है और एक टीम का कप्तान, दूसरी टीम के कप्तान, अंपायर साहब, मैं भी खुद अंपायरिंग कर रहा हूँ। साथ में हमारे कमेटी के प्रधान परमजीत माला। और आज होने जा रही है टॉस, और टॉस हो रही है आज बिल्कुल टाइम पे। तो गाइस इनको बताया जा रहा है क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना, तो सारे रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं। लारा ने मांगी है टॉस और टेल बैटिंग हमारी, और बिल्कुल फ्लाइट पे उड़ के आया है। टॉस जीतते ही बैटिंग है पहले, तो बॉलिंग है। 10 मिनट में मैच स्टार्ट है। तो गाइस टॉस जीती है कोसी कला ने, और मैच है आज कोसी कला वर्सेस विष्णु गार्डन का। और आज है दूसरा मैच और दूसरा दिन लेट बबीता देवी क्रिकेट टूर्नामेंट जो उत्तम नगर में हो रहा है। और सतीश राणा लालू जो मेरा चेला भी था, उसका अभी 6 महीने पहले एक्सपायर भी हुआ था, तो उसके नाम से भी टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो ये बस टूर्नामेंट के ये लोग बनते रहेंगे। यह टीम विष्णु गार्डन की बड़े बड़े स्टार हैं इसके अंदर, और बहुत अच्छी टीम बनाई हुई है इस बार इन्होंने। तो आई थिंक कि आज मैच बड़ा अच्छा होगा दोनों का, विष्णु गार्डन और कोसी कला का। तो अभी इन्होंने टॉस हारी है और इनकी है फील्डिंग आज, चेस करेंगे बाद में, विकेट बड़ा अच्छा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, इंट्रोड्यूस तो करा दिया। दूसरी टीम बैठी है दूर बीच में, फिर जाएंगे उनके पास, फिर बात करते हैं। टीम कोसी कला की, कोसी कला की टीम है। टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग की, और बड़ी अच्छी टीम है, और मुझे लग रहा है कि टारगेट बहुत ज़्यादा देगी आज, और मैच बहुत अच्छा होगा। कप्तान है लारा, और बीच में है हंसराज भाई। आज इन्होंने चश्मा डाला हुआ, तो प्रोफेसर लग रहे हैं ये। तो थैंक यू वेरी मच सर, शमी वधवा चैनल। तो विष्णु गार्डन ने मैच जीत लिया है वाला अपना पहला मैच, और वन साइडेड मैच जीता है इन्होंने। तो अभी मिलवाते हैं मिथुन चक्रवर्ती के, बड़े फैन रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती से मिल के भी आए हुए हैं। हमारे ग्राउंड में इन्होंने चाय की वो लगाई है रेडी। और ये साथ में है अब थोड़ा सा बदल गए हैं ये, लेकिन ये फोटो इन्हीं की है जो कि हमारे राजकुमार संतोषी जी बना रहे हैं, जो कि इससे पहले काफ़ी टीमें बना चुके हैं। माउंटिंग धाकड़ और आप मिथुन चक्रवर्ती के बेटे को, ये मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं जिनकी फिल्म आनी है, जितना ये बता रहे थे बैट। आजकल कप प्लेट में चाय चल रही है, कप अलग ले रखा, प्लेट अलग ले। इसका ये फायदा कि 1/2 जो होनी है तो अब ऐसे हो रही है। और ये हमारे कमेंट्री करने वाले शख्स हैं नवीन राई, आज इनको कप प्लेट में मिली है, कल कुल्लड़ में चाय पी थी इन्होंने। बहुत बढ़िया आदमी है, रुकते नहीं है कमेंट्री करते हुए, और चलते रहते हैं। मैच अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, हम जा रहे हैं टॉस कराने दूसरे मैच के लिए। यहाँ डीजे सब लगा हुआ, तो आवाज़ मेरी कम आएगी। मैच है शाहदरा वर्सेस जैनी क्रिकेट क्लब। यह टॉस जीती है जैनी 11 ने, और पहले बैटिंग करने ने लिया, और आई थिंक मुझे लगता है कि मैच थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शाहदरा की टीम इससे थोड़ी बेटर है, और ये अभी नई टीम आई है, तो टॉस हो गया, ठीक पाले में गया। ये शाहदरा की टीम है, 8 लड़के हैं, 3 अभी लेट हैं, और 8 से अभी ये कर रहे हैं। आज इनकी ये पनिशमेंट है कि इनको 80 मिनट में बॉल फेंकनी है। तो ये मेरे व्लॉग में आ गए हैं ये सारे के सारे। कप्तान विनय नागिया, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन ये भी आज अपनी टीम लेट लेके आए हैं, तो अपना ध्यान रखें आगे से। दोनों मैच ख़त्म हो गए बहुत जल्दी, टाइम अभी हुआ 3:40, और आज हम फ्री हो गए हैं। विकेट अभी सही नहीं बन रही, इसलिए स्कोर कम बन रहे हैं। आज विकेट अच्छा बनेगा, कल 150 से ऊपर रन जाएगा। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अंपायरिंग नहीं कर रहा हूँ, आज उत्तम नगर में है मैच, तो अभी ये टूर्नामेंट हमारे यहीं चल रहा है लगातार। आज हमारा है तीसरा दिन, और आज 2 टीमें अभी आ चुकी है, 2 दोपहर को आएंगी। वो शख्स है जो अकेला यहाँ पे कर रहे हैं, और ये कमेटी के मेम्बरान, और ये हमारे आगे प्रधान परमजीत माला, और टीम आ चुकी है, और अभी
टॉस होने जा रही है। मोगली जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे टूर्नामेंट आप करा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, मगर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जिन जिन्होंने मुझे वादे किए थे वो सारे वादे अब पीछे हो गए। लेकिन चलिए, वो तो अभी तो दूसरा दिन है, पीछे नहीं हटूंगा। आपने कराना ही कराना है। ये मैच हरिनगर वर्सेस यंग योद्धा का, दोनों कैप्टन आ चुके हैं और अभी टॉस होने जा रही है और 20-20 ओवर का ये मैच है। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है जी, जी आ चुके हैं और हेलो, इनको सुबह फ्लाइट से उतारा है मैंने। बस की वो तो बता दे, गिरते गिरते बस ये अभी बिल्कुल बस आप करेंगे तो अंडरआर्म बॉल फेंकी है इन्होंने। जीती है यंग योद्धा ने और बॉलिंग का निर्णय लिया है। मैच 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा मैच, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल शम्मी वधवा चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे ये ब्लॉग आपको मिलेगा जरूर। ये यंग योद्धा ने और फील्डिंग का निर्णय लिया और मेरे अब मित्र आ चुके हैं और हम आज बाहर बैठेंगे ग्राउंड। अब हम खुद देखे ना, गोद लिया हुआ विपिन गुप्ता आ चुका और अपने आप को चेंज कर लिया अपने आप को। इन्होंने गाली दिया, हम उसको दस हजार डाल देंगे। तो ये इन्होंने दोनों अंपायर तैयार हो चुके हैं और 5 मिनट में मैच स्टार्ट हो रहा है। ये आज के अंपायर से हमारे विपिन गुप्ता और सत्यपाल, स्टेट पैनल DDC है, बोर्ड दोनों ही बढ़िया अंपायर। तो गाइस टीम तैयार है बिल्कुल, यंग योद्धा और सारे फिट आदमी है, किसी का पेट नहीं निकला हुआ। आप तो आज इन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का निर्णय लिया है। देखो ऐसा भी इनके पेट नहीं है, इनकी गिनती नहीं है, हमारे पेट है, हमारे पेट है, हमारे हम तो सेट है। टीम में गेल भी है जो फील्डिंग प्रैक्टिस करा रहा है। पहली बॉल तो गाइस टीम बहुत खुश है, स्टार्ट अच्छा मिला है स्पीकर के साथ। आज मैंने अंपायर से छुट्टी ली थी लेकिन एक टूर्नामेंट का फाइनल है, मैं भूल गया था अंपायर भेजना, तो मुझे उसकी जगह पे जाना पड़ेगा आज 1 बजे मंगोलपुरी फाइनल में, तो वहाँ पे मिलेंगे आपको। बाकी जब तक यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैचेस जो है अभी वीडियो बनाता रहूँगा। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है इस समय और 150 रन का टारगेट दिया है। यहाँ पे खिलाड़ी हैं, अभी इनका काम शुरू हुआ नहीं, थोड़ी देर में शुरू होगा, तो ये शाम तक यहीं रहेंगे, पूरा मैच भी देखेंगे और अपना काम भी करेंगे। भाई तीसरा झटका लग चुका है इस समय, हरिनगर हो गया बहुत बढ़िया आज का और मैच चल रहा है, ठंडा मौसम हो रखा है। आई थिंक हो सकता है आजकल में कहीं थोड़ी बारिश ना आ जाए और मौसम फिर करवट बदल रहा है। सासी समाज के सासी प्रदेश के और ये जो हमारे नेता जी हैं संजू बैरूटीना अध्यक्ष हैं और आज ये इनको बुलाया गया सिर्फ खेलने के लिए और बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, फील्डर भी, उनके ड्रेस दी गई है, कैप अभी थोड़ी देर में देंगे क्योंकि ये अपना यहाँ पे मेरे ख्याल दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं। तो आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं संजू जी। ये हमारे उत्तम नगर के सासी समाज के ये प्रधान हैं धर्मिंदर राणा। आइए, फर्स्ट टाइम इस कुर्सी पे आए हैं, नहीं तो इनका स्टैंड बहुत दूर है और मक्खी मेरे पीछे पड़ गई। इसमें आया है युवा नेता हमारे प्रेम राय बीजेपी के, आज ये भी ग्राउंड पे आया तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये भी ग्राउंड पे काम कराएंगे। तो हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड के लिए जो कुछ हो अच्छा हो। प्रेम जी आपने कराना जरूर है। बिल्कुल, नमस्कार साथियों, मैं प्रेम राय, मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहूंगा कि इस ग्राउंड में हमारा बचपन बीता है और जो भी कुछ पॉसिबल हो सकेगा हम इस ग्राउंड के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा और नवीकरण हो सके इस बार और जो सौंदर्यकरण हो सके इस स्टेडियम का। प्रेम राय जो यहाँ पे आए हुए थे ग्राउंड पे आज मैच देखने, तो इन्होंने वादा किया है क्योंकि पहले भी हमारा यहाँ पे भाइयों ने काम कराया हुआ ग्राउंड पे, तो ये भी कह रहे हैं हम कराएंगे। तो हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, हमें किसी एक्टिविटी से नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स से ही जुड़े रहने की जरूरत है।
नेता जी आए हैं और ये मिथुन चक्रवर्ती जो मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था, बड़े फैन है, तो आज जाए इनको बुला रहे हैं और बहुत बढ़िया व्यक्ति है दोनों, तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ऐसी स्टॉल में पहली बार देखी है किसी जगह पर सुंदर, और मिथुन चक्रवर्ती के फैन हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चाय पिलाने के लिए। और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ऐसे ही मिथुन चक्रवर्ती दादाजी के फैन बने रहे। ऋषि फर्जिला जो हमारी टीम से संडे को भी खेलते हैं, और आज इनको एक बहुत बढ़िया ड्रेस मिली है, आज मेरा आशीर्वाद इनके साथ है कि ये बहुत सारे रन बनाएंगे। उससे पहले मेरे पास आ रहे हैं तो मैं ये मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इनका थैंक्स बोलूं। सो मैच है इस लड़के का, ये अमन माला मेरा भतीजा, अगर ये 5 विकेट लेता है तो 500 रुपये शमी बधवा की तरफ से, मैं तो इसकी ऐसी परेड करूंगा अगर ये फेल हुआ तो गाइस वो मैं लगवाऊंगा। दूसरा मैच है डीजे कशिश वर्सेस उत्तम नगर क्रिकेट क्लब, जो आकाश चढ़ाई की है टीम और पिछली बार फाइनल में आ रही थी, बहुत बढ़िया टीम बनाई हुई है गाइस। ये हमारे टीम के मेम्बरान और हमारे अध्यक्ष और सारे यहाँ पे आए हुए हैं, और ये टीम के दोनों कप्तान हमारे साथ। अभी होगी टॉस, जो भी टॉस जीतेगा तुरंत यही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। इनको ये कैप दी जा रही है, क्लैप कर दो यार सारे। तो अब होगी टॉस, बाहर कोई किसी को कमेंट नहीं करेगा, और टॉस टाइम, टॉस करा रहे हैं बल्केश नागी है। बहुत बढ़िया आदमी है, 50 के 100 भी दे देते हैं किसी को भी है। चलो जी टॉस करो, हेड मांगी है और हेड आई है, हेड आई है, टॉस टॉस जीती है डीजे कशिश की टीम ने, और दोनों कैप्टन अब बाहर जाते हो और पूरी टीम बाहर जाती है। इस मैच बहुत बढ़िया हो रहा है इस समय, और 136 रन हो गए, और अब इसके बाद पड़े 5 ओवर, और आई थिंक कि स्कोर बनेगा 165 के आसपास। और ये कमेटी के लोग चुप नहीं होते, बहुत शोर मचाते हैं यहाँ पे, और बहुत पब्लिक है। आज बन गए हैं हाईएस्ट स्कोर 166 रन बने हैं, उत्तम नगर की टीम ने बनाए हैं 167 रन, 169 सॉरी। तो गाइस मैच जीत गए उत्तम नगर की टीम बड़े अच्छे अंतर से, अच्छी एवरेज के साथ। पिछली वीडियो मेरी जो आजकल मैं बना रहा हूँ मैचेस की, तो अपना प्यार देते रहे। 1K होने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाइए, थोड़ा मुझे भी खुशी हो, 1K थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी कराइए प्लीज़।